नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्फिदो क्राफ्ट। दोस्तों, लास्ट अभी मार्च में मैंने मशीन लिया था, ये इसका एक वीडियो भी दिखाया था आप लोगों को, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने बड़ा मशीन लिया है। तो उसका कुछ टाइटल ऐसा था कि अब होगा सच लागो कमानो का सपना, ऐसे समथिंग। एक्चुअली टाइटल थोड़ा सा इंस्पायर था जो वीडियो यूट्यूब पे डले होते हैं, जो फेक वीडियो होते हैं, कोई भी आपका सेलर डाल देता है कि इतना सा मशीन लेके आप लाखों कमा लोगे, तो उससे रिलेटेड था। हालांकि वो सच था। अब मार्च से अब तक मैंने मशीन का जो है कोस्ट कंप्लीट कर लिया है, और साथ में मैंने कोस्ट कंप्लीट करके अभी इस पर फिर से इन्वेस्टमेंट किया है, और मैंने इसको डबल हेड करा लिया। पहले मेरा मशीन सिंगल हेड था, अब मेरा मशीन डबल हेड। अब यहाँ सारी चीज़ें, सारी बातें मैं रोक के बीच में एक पॉइंट आपको हाईलाइट करता हूँ। मेरे एक व्यूअर हैं, मेरे भाई, इन्होंने एक एक कमेंट डाला है इधर, ठीक है, कमेंट देखिएगा। तो कमेंट में उनका क्वेश्चन है कि क्या ये पेड प्रमोशन है। तो भैया, एक बात आप क्लियरली समझ लीजिए कि मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं करता, और जब मुझे पेड प्रमोशन करना है तो मैं सीधा क्लियर आके आप लोगों को बोलूँगा कि हाँ जी, इसका लो। तो मैं अब तक मैंने कहीं किसी को बोला नहीं, जितने भी लोगों ने मेरे को हजारों कॉल आते हैं महीने में, तो मैंने किसी को अब तक ये नहीं बोला है कि भैया आप इसी का लो, नहीं, वो आपका सिलेक्शन है। पर आपको क्या सावधानी रखनी है वो चीज़ें मैं गाइड करता हूँ, ठीक है। मेरे को ऑफर और भी आ चुके हैं, मेरे पास छोटी मशीनों से आ चुके हैं, मैंने पहले एक मशीन लिया था, डब्बा लिया था, वहां से भी आ चुका है, कई जगह से मेरे पास पेड प्रमोशन के ऑफर आ चुके हैं। अब छोटी मशीन मैं रिकमेंड ही नहीं करता, इन केस मुझे पेड प्रमोशन करना है तो छोटी मशीन जिसका कम बजट है तो मैं उसको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप छोटी मशीन ले लो। तो मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं करता, मैं प्रमोशन ही करता नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और मेरी एडवाइस, अब तक जिसने मशीन लिया है वो फुली सेटिस्फाई है, ठीक है, भले उसने ये ब्रांड खरीदा, कोई भी ब्रांड खरीदा मैटर नहीं करता, पर वो फुली सेटिस्फाइड है और अच्छा काम कर रहा है। तो आप ये मन से निकाल दे कि मैं किसी का पेड प्रमोशन करता हूँ, मैं पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ। सेकंड, उसी कमेंट में आपका ये था कि आपने उसमें बोला था कि कंपनी जो है 2023 में रजिस्टर्ड हुए, 23 तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो 2023 में नहीं है। तो मैंने इसका आरएनडी किया, एक्चुअल में मैंने पहले भी देखा था तो मैं भूल गया था। अब जब आपका कमेंट आया, तो कमेंट आने के बाद मैंने उस पर आरएनडी किया, तो मैंने पहले इंडिया मार्ट के सर्च से निकाला, तो इंडिया मार्ट में मैंने पाया कि उसका एस्टेब्लिशमेंट 2020 दिखा रहा है। फिर मैंने इस ब्रांड का देखा और जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह देखा, इनका जीएसटी नंबर जीएसटी में डाल के, तो उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट डेट 2020 की आ रही है, तो ये 2020 का रजिस्टर्ड है, ना कि 2023 का। और मैटर नहीं करता है कि कंपनी कितनी पुरानी है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, कंपनी पुरानी होने से ये मतलब नहीं बन जाता कि अच्छी मशीनें सेल करती है, नई कंपनी अच्छी मशीन सेल नहीं करेगी। ऐसे तो अभी एक मोबाइल लाइन में भी कई सारे ब्रांड लॉन्च हुए हैं, वीवो था ही कितना पुराना, उससे पहले पतन कितनी है, तो नोकिया कितना पुराना था, आज मार्केट से उतर गया है। तो ये चीज़ समझे कि पुराना का मतलब क्या है, पुराना अगर मतलब आज मैं अगर कोई कंपनी लगा लूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं खराब मशीन बेचूंगा, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दे। मेरे को पेड प्रमोशन के लिए ना बोले, मैं पेड प्रमोशन करता ही हूँ, आपने कहीं भी मेरा हेडिंग नहीं देखा होगा। एक और आपका उसमें मेरे को बात जो जेन्युइन लगा, इंडिया मार्ट के पेज पे जब मैं गया तो मैंने वहां पाया कि मेरा फोटो लगा हुआ है उनके पेज, तो उसके लिए मैंने इंडिया मार्ट के मैनेजर को मैसेज डाला है, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा है कि वो क्यों उसका मैं वहां पे मेरी परमिशन के बिना डाला गया। ये बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर कोई भी मेरा फोटो लगा लेता है, ऐसे तो मैंने दुनिया भर का मतलब वीडियो डाला है। अब इससे पहले जब मैं जिस मशीन पे काम करता था, देखिए अभी मैं इस मशीन पे काम कर रहा हूँ तो यही आपको मेरे बैकग्राउंड में दिखेगा, क्या नाम है क्या नहीं है वो चीज़ नहीं है। पर जब मैं काम छोटी मशीन पे कर रहा था, उस टाइम छोटी मशीन मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा था, अब मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मैं आज तक उसका मैंने प्रमोशन किया ना, इतना मैं नाखुश हूँ उस मशीन से, मेरे को लगता है कि मैंने टाइम का और पैसे का बर्बादी किया उसके, ठीक है। तो मैं किसी का प्रमोशन नहीं करना, वीडियो में मशीन दिखने का मतलब यह नहीं है कि आपको मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ। हाँ, मशीन जहाँ सही होगा मैं सही बोलूँगा, जहाँ गलत होगा गलत बोलूँगा। इससे पहले एक मशीन यूज किया था, पुराना वीडियो में देखेंगे तो वो मशीन का ब्रांड आपको दिखाई देगा, तो मैं उसको कभी मैंने उसका प्रमोशन नहीं किया कि वो बहुत बढ़िया मशीन, नहीं, वो एक बजट के हिसाब से आप उस पर उस बजट के हिसाब से उस काम के लिए स्पेसिफाई वो बनी है। अब ये भी नहीं बोलूँगा कि कूड़ा है वो,
डब्बा बोलूं उसको, मैं कई बार डब्बा बोल देता हूँ फ्रस्ट्रेशन में, तो मतलब वो आपने जितना पैसा लगाया, मैंने जितना पैसा लगाया तो उसके हिसाब से ठीक है मशीन उतना ही काम करेगी, पर वहां पे अगर कोई कंपनी आपको ये बोलती कि आप 50,000 की मशीन लगा के 4 लाख कमा लोगे, लाखों कमाओगे, दिन का 10,000 कमाओगे, तो ये बातें गलत है। इन चीजों के मैं खिलाफ हूँ, मैं किसी को करता नहीं। दूसरी एक और चीज में मैं आपको बता देता हूँ, जो भी लोग मेरे को कॉल करते आज तक कोई बोले कि मैंने किसी से 1% पैसा लिया, मेरे को इससे एक का या वो आ गया कि एक ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था कि सर आप तो पैसे वालों की हेल्प करते हो, तो उसकी सच्चाई समझिए कि उन्होंने मेरे से डिजाइन का प्राइस पूछा, और मेरे प्राइसेस सबके लिए सेम होते हैं, चाहे कोई आपका डिजाइनर आए, चाहे आपका कोई बहुत पुराना जिसने सेटअप कर रखा है वो आए, तो उन सबके लिए मेरे प्राइसेस सेम ही होते हैं, मैं किसी के साथ होता नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं बार्गेन का ऑप्शन देता हूँ इन लोगों को, क्योंकि मेरे प्राइस ऑलरेडी इतने सस्ते हैं, मैं जो कॉम्बो देता हूँ उसमें 9 टेम्पल दे देता हूँ, एक टेम्पल कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये का आपको मिलता है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ बार्गेन किया कि नहीं आपने जितना बोला उसका आधा आप ले लीजिए, तो ये मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, तो मैंने बना कर दिया। तो वहाँ पे मुझे कमेंट मिल रहा है कि आप तो सिर्फ पैसे वालों की हेल्प करते, तो ऐसा नहीं है भैया, मैं किसी के पास पैसा मांगने नहीं जाता हूँ। हाँ, किसी को मेरा हेल्प चाहिए, मेरा सर्विस चाहिए, तो आप आके ले सकते हो, मैं आप लोगों की कदर करता हूँ, आप लोग मेरा वीडियो देखते हो बहुत ही थैंकफुल हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्री में सबका करूँ तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं एक डिजाइनर हूँ, इतने साल मैंने इसमें लगा दिए काम करने में, रिसर्च कर करके सीखा है, एक एक डिजाइन को पता नहीं मल्टीपल टाइम, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ ही पे मेरे पास रखा, पहले भी किसी वीडियो में दिखाया, अभी हाफ रखा है, इतना बनाने के बाद मुझे लगा कि इस डिजाइन में कहीं कमी है, तो उसने इसको रिमूव छोड़ दिया और फिर दूसरा अपना पीस बनाया। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास रखे रहते हैं जिनपे मैं समय और पैसा लगाता हूँ, और उसके बाद अगर कोई मेरे से उम्मीद करता कि मैं फ्री में किसी की हेल्प करूँ, तो उसके लिए मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ। 2-4 बार आप मेरे से सलाह लेना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दूंगा। पर अगर आप रेगुलर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरा पेड सर्विस ले, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, और जितने भी लोग दुनिया भर के लोग हैं मेरे पास काउंटिंग नहीं है कितने लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सबकी हेल्प करता हूँ, टाइम दूंगा आपको, हो सकता है 10 मिनट लेट मिले क्योंकि एक टाइम पे मेरा क्लास चल रहा होता है, एक टाइम पे मैं काम कर रहा होता हूँ, एक टाइम में किसी की क्वारी ले रहा हूँ, तो अकेला आदमी जितनों की एक टाइम में पॉसिबल हेल्प कर सकता है उतनी करेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपका मशीन को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि जब मैंने मशीन को दिखाया था उधर लास्ट जब वीडियो बना था, तो मैंने मशीन को ब्रीफ में समझाया था। अब मशीन में ब्रीफ में समझाने का मतलब ये नहीं कि मैं थप्पा लगा दूं इस ब्रांड पे कि आप यही लो बाकी सब बकवास है, ऐसा नहीं है। मशीन में मैंने क्या चीज़ें समझ के ली थी, यही मेरा पर्पस था लास्ट वीडियो में, जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था, अब वही चीज़ें आपको समझनी थी हर एक ब्रांड के अंदर, फिर आपको उसका अमाउंट देखना था। कुछ लोग 5-7 हज़ार के पीछे, 10 हज़ार पीछे अच्छी मशीन को छोड़ देते हैं, तो उसे बेवकूफ़ी कहेंगे, पैसे का आपको कंसाइडर करना है। बट मैं हर बार सबको यही बोलता हूँ कि आपको देखना कि अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो क्यों सस्ता मिल रहा है, आपको महंगा मिल रहा है तो क्यों महंगा मिल रहा है, हो सकता है महंगे के पीछे रीजन है, उसमें कुछ अलग फैसिलिटी है, हो सकता है सस्ते के पीछे कुछ रीजन है, उसमें कुछ फैसिलिटी आपको नहीं मिल रही, तो आपको मिनिमम क्या क्या चाहिए वो आपको डिसाइड करना, तब जाके आपको मशीन सेलेक्ट करना। अब जब मैं मशीन स्टार्टिंग में लाया था तब मैंने ये डाला था, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ये चीज़ें जरूरी थी इसलिए मैंने डिस्कस की है, तो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिखा दिया था। इस बार सिर्फ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने डबल हेड बनाया मशीन को, डबल हेड मशीन है मेरा, और डबल हेड लगने के बाद अब ये काम तब, ठीक है। तो अब हम इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, कैसे हमें डबल हेड ऑपरेट करना, छोटा सा वीडियो है, डिटेल वीडियो नहीं है, तो आप इसे देखें और समझें। तो चलिए हम इस पे देखते हैं करके वो कैसे डबल हेड पे हमें काम करना, तो दोनों चीज़ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। बाकी आपका कोई क्वेश्चन आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वीडियो में भी डाल दूंगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी कमेंट डाले बात करें, तो थोड़ा सा सोच समझ के दिमाग लगा के करें, क्योंकि जो दिखता है हो सकता है वो सही ना हो। अब वो भी मैं स्क्रीन शॉट शेयर करूँगा जो मेरे पास इंडिया मार्ट से जो रिप्लाई आएगा वो भी मैं आपको शेयर करूँगा, कुछ मेरे को रिप्लाई आया भी है, तो किसी का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप लोग भरोसा करते हैं, भरोसा बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें यूट्यूब से, ठीक है। तो मेरे लिए इतना काफ़ी है, मेरे को किसी के पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास काम अच्छा खासा है,
ठीक है दोस्तों, बाकी डिजाइन और ट्रेनिंग की इंक्वायरी हमेशा की तरह आप ले सकते हैं, नंबर मैं डाल दूंगा। तो ये डबल हेड से कटिंग हो रहा है हमारा, दिखेगा दोनों हेड कटिंग कर रहे हैं। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन केस अगर आप जब ट्यूब है कि एक जब स्टार्टिंग में जब आप मशीन परचेज करते हैं तो उस टाइम ट्यूब डबल ना हेड ना लेके सिंगल हेड लेते हैं, और बाद में अगर आप उसे डबल हेड कराते हैं तो उसमें छोटा सा प्रॉब्लम आता है कि दोनों का पावर आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका कॉम्बिनेशन बना के आपको मैच करना होता है। अब अगर आप देखेंगे तो इस साइड वाले में ज़्यादा सफाई, क्योंकि इधर नया ट्यूब लगा हुआ, उस साइड में थोड़ा सा आपको फर्क डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कट के गिर रहा है, और उस वाले में किसी हिस्से से कट के गिर रहा है, किसी हिस्से से नहीं गिर रहा है, तो थोड़ा सा होता है मैचिंग करवाना होता है, पर उसके बाद भी ये प्रॉपर कट रहा है। अब ये डिपेंड होता है आपकी ट्यूब पे कि आपने ट्यूब कितना यूज़ कर लिया है, उससे ही आपको इसको मैच कराना होता है, पावर दोनों ट्यूब में क्या क्या आपको देना है। एक स्पीड पे दोनों का स्पीड सेम रहेगा, सेम स्पीड पे ये चलेंगे, तो स्पीड का कम्बिनेशन हमें करना होता है कि किस स्पीड पे हम चलाएं कि दोनों ट्यूब आपका अच्छे से काटे। तो सबसे पहले मैं आपको डबल हेड में क्या है कि दोनों नोजल के अंदर कितना दूरी रखना चाहिए ये मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपके डिज़ाइन टू डिज़ाइन वेरी करता है कि आपका कितना है डिज़ाइन का, एक लेंथ कितना साइड जा रहा है, तो आपको ये गैप कितना रखना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, जब हम फ्रेम लेते हैं ना तो मशीन हमें मेजरमेंट दिखाती है उसका, तो आपको पता चल रहा है। अगर मैं अभी मार्क करूँ उस लोकेशन को, तो एक मिनट रुकिएगा, मैं मार्क कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा कि जब मैं मार्क कर रही है तो मेरा यहाँ पे आ रहा है, और यहीं के हिसाब से मैंने इसको सेट किया है कि मेरा मशीन ऑलरेडी सेट है इसी के हिसाब से। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देता हूँ। तो ये मैंने कट स्केल ले लिया है इधर से। अब कट स्केल से अगर आप देख पाओ तो कट स्केल ने क्या किया है कि इसमें एक लाइन बना दिया है, यहाँ से चारों ओर एक लाइन बना दिया, जिससे आपका यहाँ पे गैप आपको पता चल गया है, और उस गैप के हिसाब से आप देखेंगे मेरा नोजल सही से सेट है। इन केस अगर आपको नोजल इधर उधर करना, तो इधर दो स्क्रू दिए हुए होते हैं मेनली, ये वाले स्क्रू हैं, इन स्क्रू को लूज करने के बाद आप नोजल का मूवमेंट, एक नोजल का मूवमेंट इधर उधर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अपने जो मेजरमेंट आपने लिया है, अभी मैंने कट स्केल किया है, आप चाहे कुछ रख के यहाँ पे उसका एक मार्क ले सकते हैं कि यहाँ से बाहर ही आपका ये वाला नोजल नहीं चाहिए, मतलब ये वाला आपका इस मैटर को ओवरराइड नहीं करे और ये वाला आपका इस साइड के मैटर को ओवरराइड ना करे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको सेट करें। मैंने कुछ नहीं किया है, नोजल को जस्ट टाइट कर दिया है। ठीक है, अब मैं अपनी कटिंग की कमांड, तो नोजल की सेटिंग करने के बाद जब आप एक कटिंग का कमांड देते हैं तो वहाँ पे आपको दोनों का स्पीड का कॉम्बिनेशन बनाना होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब आपको देख एक मैटर ये देखना है, इन केस अगर आपने स्टार्टिंग में ही डबल हेड मशीन लिया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी स्पीड के कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि दोनों की पावर सेम ही रहेगी तो दोनों आपका सही से कट करेगी। बट इन केस जब आपने मशीन का, जैसे पहले मैं, जैसे मेरे केस में है कि मैंने पहले सिंगल हेड लिया था फिर मैंने डबल हेड कराया, तो उसमें क्या है कि मेरा जो ट्यूब है कंज्यूम हो चुका है काफ़ी कुछ, मैं जैसे कटिंग करता हूँ आपको दिख ही रहा होगा मशीन के अंदर भी, तो मेरा कुछ एक लेवल ट्यूब का कंज्यूम हो चुका है, और दूसरे वाला जो मैंने लगाया वो 130 वाट का फ्रेश ट्यूब है। अगर आप 100 वाट का भी लगाते हो तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर आती है। तो कोशिश करना जब भी आप डबल हेड लेते हैं तो उसमें आप डबल हेड में सेम वाटेज ट्यूब का रखें, ताकि आपके स्पीड के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमें स्पीड को मैच करना होता है, स्पीड को मैच करने के लिए हमें दोनों के साथ इतना पावर रखना होता है कि उसी स्पीड पे दोनों का। तो मैं यहाँ पे इनकी सेटिंग कर रहा हूँ। अब मैंने पावर का सेटिंग कर दिया है, उसके बाद हमें जो है इसका एक हर एक नोजल का फोकस होता है,
और तो आपको फोकस सेट करना, मेरे का मेरे केस में 5 mm का फोकस है तो मैं वो सेट करूँ। अब एक बात ध्यान रखिए कि फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपकी सीट बैंड ना हो, जैसे मेरे वाली सीट, ये वाला सीट मैंने जो रखा है ये बैंड है, तो उस केस में आप कोई भी वेट उसके ऊपर रख देंगे तो अभी आपका फ्लैट हो जाएगा। और दोबारा आपको एक बार फोकस चेक कर लेना है कि क्या आपका फोकस सही आ रहा है, ऊपर नीचे तो नहीं। ठीक है, तो हमने फोकस सेट कर लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे केस में आप रोक कर एक बार मशीन को जब आप स्टार्ट करते हैं तो अपना कटिंग चेक करेंगे कि आपका प्रॉपर कट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मेरे केस में मेरा कट हो रहा है। पाँच मिनट के अंदर मशीन ने कटिंग करके कंप्लीट कर दिया है। अब एक चीज़ देखिएगा कि डबल हेड में आप जो चीज़ एक साइड काट रहे हो, ज़्यादातर यही होता है कि दूसरी साइड भी आपका वही कटेगा। उसका रीज़न ये होता है कि वो एक बेल्ट के ऊपर लगे हुए होते हैं, दोनों नोजल एक ही बेल्ट के ऊपर हैं, तो जैसे ये आपका मूवमेंट करेगा वैसे ही ये आपका मूवमेंट करेगा। तो जो आपका कटिंग है ये हमने कटिंग किया है, तो जो आपका कटिंग है वो बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब कॉपी करता है, ये इस साइड कट कर देता है और इस साइड का मेरा ये कटिंग हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पे मेरा ट्यूब लगा हुआ है, ये नए वाला ट्यूब है, आपको दिखाई दे ही रहा है, ये पुराने वाला है, थोड़ा सा स्मोक इसके ऊपर हो गया, अंदर से क्लीन है। अभी इसका मेंटेनेंस करना है मेरे को, हर 15 दिन में मैं मेंटेनेंस के लिए इस पर काम करता हूँ, साफ सफाई कर देता हूँ। तो एक उधर ट्यूब का फेस होता है, एक इस साइड होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते, और ये नए वाला ट्यूब। ठीक है, ऐसे ही मैंने चिलर के बारे में बताया था कि जब मैंने चिलर लिया था तो मैंने यहाँ नीचे चिलर भी लगा रखा है। तो ये मैंने चिलर लगा रखा है, इंडस्ट्रियल चिलर है CW5200, और इसका टेम्परेचर अभी 29 डिग्री पे है। चिलर का टेम्परेचर कभी भी 35 से ज़्यादा ना जाए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने पीछे आपको दिखाया कि ट्यूब एक उस साइड लगी है, एक उस साइड लगी है, तो मतलब एक इस साइड से आपका बीम आने वाला है और एक लेजर में इस साइड से आपका बीम आने वाला है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो बेसिक जो बातें ज़रूरी हैं लेजर में डबल हेड के साथ काम करने में, मैंने आपको समझाया, डबल हेड में आपको सिंगल फाइल हाफ उसमें पोर्शन में तैयार करनी है, बाकी हाफ पोर्शन को मशीन ऑटोमेटिक कवर कर लेगी। डिस्टेंस मेजर रखता है आपको करना पड़ेगा और मायने रखता है, ये आप लोग ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बेसिक सा काम मैंने आपको बताया है कि लेजर में जब डबल हेड आप लगवाते हैं या डबल हेड लेजर लेते तो आप उसमें काम कैसे करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।